Hey guys, welcome back to my channel Mampi Dot Rahul. मतलब ऐसे लग रहा है ना कि बहुत दिन बाद बाद व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग बनाने भूल गए हैं, ऐसे ऐसे लग रहा है. तो कल रात में ऐसा कांड हो गया हम लोगों के साथ, ऐसा हो गया. हम कल मतलब शनिवार था, बिट्टू आया था, ठीक है, आया और मतलब सब सोफा में बैठे हुआ था हम लोग के साथ. कल हम एक व्लॉग में बोले हैं इसी आई डी पे बोले हैं कि मेरा मूड बहुत ऑफ है, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. कोई एक रीज़न था जो कि हम उसी वीडियो में बोला, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आप लोगों को. बहुत ही गंदा रीज़न है वो, और बस मेरा ही नहीं, सबका, मेरा घर वाला, मेरा मायके तरफ से सबका, मेरा सिस्टर का, मेरा भाई का, सबका मूड बहुत ख़राब. कल ऐसा ही मूड ऑफ था, हम लोग सोफा में बहुत रात तक बात कर रहे थे. और ना कल जब बिंदी उठ गया, कल बाबू भी घर पे नहीं थे, रात में वो अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग के साथ फिर बंद हो गया. तो बाबू ना कल रात में यहाँ पे किशु है, किशु के घर पे ही रह गया था, मतलब बगल में ही है, उतना दूर नहीं है. उसके घर भी बगल में है और गाड़ी में तेल छोड़ दिया, तो हमको उबेर करना पड़ा. फिर उबेर से आए बाबू, तो उनके पास कैश नहीं था, तो कैश लेके भी गए नीचे. तो जो भी बोल रहे थे, तो ऐसा था, तो मूड हम लोग का सबका ऑफ था. हम लोग घर पे बैठे ऐसे तीनों बात कर रहे थे, और डिनर भी रात में बनाए थे, लेकिन कोई भी डिनर नहीं किया मूड ऑफ के कारण. ऐसे ही डिनर के अभी भी रोटी रखा हुआ है, जो कि हम रात में आज सेक के खा लेंगे. मतलब हम लोग क्या हुआ कल, मायरा को खाना वाना खिला दिए, उसको सुलाने लेके जा रहे थे. उसके बाद हो गया कांड, बेड का जो ये है उसको हम उठाए, हम वो बार बार उतर रही है, हम दिखा रहे हैं आप लोग. थोड़ा सा भी गर्मी में नहीं रह सकते. तो ये जो बेड का है ना, ये इसको हम उठाए थे और बार बार ये उतर रही है, चल रही है, उतर रही है, चल रही है. उसको एक बार डांटे भी. उसके बाद क्या हुआ, पैर ना इसके अंदर आ गया था, और उसका पैर देखो क्या हुआ. उधर से ना, उफ बेचारी, पैर एकदम उसका अंगूठा हिल रहा है कि नहीं. हाँ, हिला के दिखा भी रही. हाँ, गैचे तीन बार बोली एक चीज. तो बोलेगी नहीं, उसका बेटी है उधर, गई है, नहीं आया तो गया ही है ना. इधर आओ पापा. अम्मा पापा आए तो पापा आए. जाओ पापा आए बेटा. सोई है, उठी है, ब्रेकफास्ट करके फिर सो गई. ओले बाबले, ओले बाबले, पापा की पड़ी, ओ पापा की पड़ी. गर्मी लग रहा है, इसका पंखा उनका भी तेज नहीं चालू कर रही ना एसी. बाबू पंखा का रिमोट नहीं मिल रहा था तो हमको. तो वैसे करते करते ना, नीचे ऊपर करते करते उसके बीच में पैर आ गया, तो हम देखे नहीं थे. जो शटर है ऐसे करके डाउन कर दिए, और उसका पैर पूरा आ गया. मतलब इतना रोए कल हम, मतलब हम ब्लॉगिंग के हालत में ही नहीं थे. ये जो वर्ल्ड, हाँ क्या कहा है बाबू. हाँ मम्मी फोन की थी, लेकिन मारा तब सो रही थी. सोमनाथ भी आ गया, हमको भी जाना है बाजार, क्योंकि घर पे कुछ भी सब्जी नहीं है. उसके बाद पूरा इधर खून खून हो गया, पूरा वाल खून हो गया. जा रहे थे रोड, मतलब इधर पूरा खून हो गया. लास्ट में हम तो चिल्ला रहे थे, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था. बिट्टू था, बिट्टू ऐसे कपड़ा लिया कोई भी, और उसका मतलब हमको ना बिट्टू धकेल दिया. हम इतना चिल्ला रहे, इतना शोर कर रहे, खून देख के बिट्टू को धकेल दिया. उधर हम चले गए, बिट्टू उसको पकड़ा ऐसे करके, पैर लेके पूरा, बाइक का चाबी लेके हम दौड़े पीछे पीछे. फिर बैठे, फिर मायरा को रात का 2:30 बज रहा था, लेके गए शिशु मंगल. वहाँ पे चेकअप हुआ, वहाँ पे तो ये करने, स्टिच करने के लिए बोला था, थ्री स्टिच पड़ता. हम मना कर दिया, हम बोले कि नहीं इसको स्टिच मत कीजिए, बहुत दर्द होगा. मतलब हम ही हॉस्पिटल में इतना रो रहे थे. हमको डॉक्टर बोला आप अगर ऐसे घबराओगे तो बच्चा तो और ज़्यादा डर जाएगा. तो फिर हम बोले नहीं, स्टिच नहीं करवाइए. लास्ट में वो डॉक्टर, तो उनसे हम पूछे कि मतलब स्टिच करना ज़रूरी है क्या, कुछ प्रॉब्लम होगा. तो बोले कि देखो स्टिच करने से जो चीज़ 2-3 दिन में ठीक होगा वो अनस्टिच रहेगा, तो वो आपको 7-8 दिन लग सकता है. हम बोले ठीक है, बोले बहुत केयर करना पड़ेगा. हम बोले ठीक है, वो सही है, हम करेंगे, उतना सब कुछ राजी है, लेकिन हम ये ही करने मतलब राजी नहीं है.
तो बोले ठीक है, तो उनको मलम वगैरह करके पट्टी कर दिया। आज हम यहाँ पे, हम तो वो तो सरकारी हॉस्पिटल है, आज यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे एक्सरे वगैरह करवाएंगे, जो कि उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। तो आज जाएंगे जल्दी, तभी तो घर पे बहुत काम, खाना वाना नहीं बना। मायरा को ठीक दवाई ववाई दे के सुला दी है, सुला नहीं रहते हम उसको बोले कि हम पूजा वूजा करेंगे तुम बैठो, लेकिन मतलब उन्होंने बोले मम्मा हमको नींद आ रहा है। फिर हम सोचे कि वो जगी रहेगी, पानी घाटेगी और डॉक्टर वहाँ पे पानी बनाने मना किया लगाने। चलो जल्दी से खाना चढ़ाते हैं। हम लोग का ये डिसाइड हुआ कि खाने में बस दाल चावल और बनेगा पापड़ भुजी। तेल वहाँ पे गरम करने देते हैं और अचार, मतलब आज पूरा सिंपल खाना, दाल चावल अचार खाएंगे बस, क्योंकि बाजार में ना हफ्ते में एक दिन बाजार के लिए देना ही पड़ता है। जल्दी हुआ था, खाना भी पूरा प्रॉपर बनता, लेकिन बस लड़का लोग लेट से आया। एक चीज हम दिखाते तब तक कहा गरम हो नहीं है। इतना दौड़ रही थी अभी तुरंत स्टॉप करो, थोड़ा सा स्टॉप करो, स्टैंड मत। देखो कोई बोलेगा उसका पैर में दर्द है, इतना दौड़ रही है। इतना बदमाशी क्यों कर रही हो तुम? एकदम अगर थोड़ा सा कोई इंसान को डर लगे ना, सुलाइए उसको, खाना लेके आते बाबू। को लग रहा है लेजी गिरी, और ना अभी ऊपर वाला फ्लोर में एक दीदी है जो कि शिफ्ट की है, मेरा वीडियोस देखती है, तो उनको बहुत पहले से बोल के रखिए मेरा घर पूजा में आप आओगे। तो कल रात में ऐसे होने के बाद ना मेरा माथा बिल्कुल ठीक नहीं था, हम भूल भी गए बात कि दीदी के घर पे पूजा है। आज फिर हम लोग भूल के खाना वाना बना दिए, खाना खाने लगे, तो दीदी आई नीचे जब हम लोग खाना खा रहे थे थोड़ी देर पहले, बोली अरे आप यहाँ पे क्यों बनाए हो, ऊपर तो बना हुआ है, आपको बुलाए थे। मेरा दिमाग से बिल्कुल निकल गया था, क्योंकि कल रात में ऐसे होने के बाद ना सच में निकल गया था। हम तो कुछ भी नहीं लिए, गिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिए, तो अभी जा रहे झटक से रेडी हो जाएंगे, गिफ्ट लेंगे उसके बाद जाएंगे। कुछ सब तो सो गया, सब कोई सो रहा है, हम थोड़ा किचन में काम कर रहे थे, और फिर उधर से आके थोड़ा सा खाना जल्दी बना लेंगे, क्योंकि बिट्टू आज जाएगा, कल बिट्टू का एग्ज़ाम है और वो कुछ खाना लेके जाएगा, तो चलो जल्दी से रेडी हो जाता सबसे पहले। तो हो गए हैं रेडी, और भाई इधर क्या, एक सेकेंड, यहाँ से ना बहुत ये होता है, हवा देता है, दम दम बंद होता है। हो गया, दरवाजा बंद हो गया, चल भाई चल। तो यहाँ पे गिफ्ट स्टोर कहाँ पे है नहीं पता, क्योंकि आप यहाँ पे हम लोग भी तो न्यू ही है, तो देखना पड़ेगा जाके कि गिफ्ट स्टोर कहाँ पर है। ऐसे हम जो दीदी यहाँ पे काम करने आते ना, उससे हम लोग पूछे कि कहाँ पर है, वो बोली है, हमको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, फिर भी अगर मतलब जितना समझ में उतना तो जाएंगे, और आगे जाके हम किसी को नहीं, जहाँ पे ऑटो स्टैंड नहीं है यहाँ पे, एक उधर बोला बगल वाला गली में। और बिट्टू अगर एग्जाम में आज आएगा तो आके ना हमको थोड़ा सा मुर्गा लेके आए हैं, तो उसी को बनाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेके जाएगा घर पे मम्मी और पापा के लिए, और आज ट्यूशन भी है उसका, तो हमको जल्दी आके ही बनाना पड़ेगा। हम पहले आएंगे पूचू को लेंगे, जब तक पूचू रेडी होगी तब तक हम तैयारी कर लेंगे चिकन का, उसके बाद वो तैयार हो जाएगी, फिर जाएंगे ऊपर, फिर जल्दी से आके बना लेंगे। चलो बहुत काम पड़ जाता है यार, संसार बहुत मतलब मुश्किल नहीं है, ये इतना हमको अभी समझ में आया। इतना जगह घूमे हम लोग, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी गिफ्ट आइटम नहीं मिला, थोड़ा सा देखते भी क्या मतलब, मेरा भाई परेशान हो गया, बंद है यार। और ना सबसे ज़्यादा मुश्किल का बात ये है कि आज संडे है, फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हमको मिल गया है गिफ्ट। क्या लिए हैं हम, फोटो तो नहीं लिए, अगर हमको फोटो मिलेगा तो हम साइड में फोटो लगा देंगे, आप लोग देख लेना। अभी जा रहे हैं बुके बनाने, वो छोटा सा फ्लावर कुछ अच्छा लगता है, तो यहाँ पे इतना सारा बुके, हम एक छोटा सा बुके बनवाए हैं,
जो जो फ्लावर हमको अच्छा लगा ना वैसे हम देके छोटा सा बुके बनाया है। और यहाँ पे ना इंस्टेंट बुके बना के दे रहा है, मतलब इतना फ्रेश फ्रेश फ्लावर। क्या क्या चाहिए आपको, आपका गर्लफ्रेंड के लिए चाहिए क्या? आगले तो दो, वो काके दो। मोए 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 बाप रे बाप, इतना अच्छा, इतना सारा फ्लावर देके बहुत लालच आता है भाई। पोर्शन ऑफ हॉर्न आवर चल मोए मोए पैसा क्या पंगा ला पंगा वो है तू पैसा ला पंगा ओए चोना दिखाए की खा ले और ये तो खा, सिर्फ खाता है लेकिन फिर भी मोटाता नहीं है, इसका शरीर देखो। ये तो अंदर रहा जैसे की जो दिखा रही मौत ने से तो फैल रहा तो का देख से तुमको थोड़ा थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस होगा कि तुम मेरा कैमरा पकड़ ली, मेरा हाथ इतना दुख गया फिर भी ये लड़का कैमरा नहीं ले रहा। भाव खा रहा था मुझसे कैमरा कर रहे थे, भाव खा रहा कैमरा नहीं पकड़ रहा। नहीं ये रहा हम लोग का फ्लावर बुके, इतना फ्रेश फ्लावर लगा दी दाओ, दी दाओ। पैक कर दी थी। तो यहाँ पे चाय भी चढ़ा है क्योंकि मेरी पति देव को अभी चाय पीना है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं मूंग का, और यहाँ पे मायरा लोग का टिफिन भी बना रहे हैं। मायरा का टिफिन भी कौन आया, कौन आया, पानी ले लो। दो साल आया मेरा घर में मेहमान आया, देखिए आ गया भाई, यही मिला तुमको छूने के लिए, इतना चीज है घर पे तुम, हमको यही मिला हाँ। और कोई चीज नहीं मिला, ये वाला पूरा जो है ना, तो ये बता इसका तो यार नस भी होता है, ये वाला चलो चाय थोड़ा हमको बढ़ा के बनाना पड़ेगा अभी। पे बोला कि सावधानी से रखने उसको भींगने ने। हाँ ब्लड कल रात में ले गए थे ना बंद हुए। नहीं ठीक ठीक, जब अच्छे से देखे ना मम्मी पैर पैर का चमड़ा ही कटा है, पूरा मोड़ रही है, कितना बदमाशी कर रहा है अभी उस पैर लेके चल रही है, मोड़ दे रही है पैर को ऐसा ठेंगना ऐसे कर दे रही है। कैसे बदमाशी कर रहे थे अपनी दादी करते, टीथ दिखा दो, शो योर टीथ। तो अभी चिकन बन गया और बिट्टू के लिए पार्सल भी हो गया, और हमारे के टेस्ट को दे दी फादर टाइम में टेस्ट करना। और अभी आया हम लोग के घर पे गेस्ट, वैसे मेरे से ज्यादा अच्छा चिकन बनाता है सोमना, लेकिन जब भी बनाता है चिकन सोमना ही बनाता है। आज सोमना थोड़ा था, हम बोले चलो आज हम थोड़ा सा उसको ना बुलाते हैं, उसके सोने देते हैं। भैया को नमस्ते करो, बाबा हम तो अभी आके देखे हैं, हम योगेश को देखे और आर्यन को देखे कौन आया, अरे बहुत सुन रहा है गुस्सा आ रही, देखो मैं देखो इसको देखो मैं बैठा देखो देव कौन आया, कौन
चले बाबा जा रहे बाबा अरे बाबा और लो ही देखेगा क्या हो गया था बाबू को देखो नाटक तुरंत आग छल छला जाता है ना बेटा का आग छल छला जाता क्या हुआ क्या बच्चे लेंगे तो फिर सामान तो डॉक्टर के पास लेके जाते पट्टी में कल रात भर हम लोग 3 बजे तक उधर ही थे कैसे हो और आर्यन क्या बोलते हो भाई कैसे हो आर्यन अभी बहुत कैसे हो गए तुम एकदम मोटा हो गया शादी की खुशी में क्या हो गया बाबू क्या लग गया मेरा बात करो क्या लग गया नंदर को उधर डालो राहुल हो गया तोड़ दिया चूतिया लोगों ने आज उधर मेरा आधा घंटा चला गया पता है नहीं अंदर उधर डाल अरे उधर ही खुले रूम पे खुला नहीं है नहीं खुला नहीं